इतना प्यारा एरिया ये वाला जिसकी इंतहा नहीं है। बोन कवर करना इतना मुश्किल नहीं है जितना बॉस क्रीज में बॉस को कवर करना। अच्छा भवन नाम है, ठीक है। तो आप उर्दू स्पीकिंग में भवन कहा जाता है? ये फ्रंट है जी मंदिर का। ये बच्ची नहीं थकती बच्चों को, और हवेली आंटी ने खोली है बोने वाले नू नलगी थी इस अन गल फिलहाल समझ नहीं पे आंदी क्या पता देर की नू ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। रोशनदान हर कमरे में आपको 5-6 रोशनदान खिड़कियां दरवाजे ये सारा एरिया आंटी ने अभी हमें दिखाया है। आपकी बहन ना प्यारा लग रहा है आंटी। अभी और तैयार कर रहे हैं, ये पकाने का हिस्सा है और उधर वो जो है वो स्टोर करने के लिए चीजें। बासत से हमने पूछा यहाँ पे खाने की अच्छी चीज कौन सी है, बासत कहते हैं यहाँ के लोग घर खाते हैं शौक से। खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह, ऐसे लगता है कोई काम हुआ है। इतनी अच्छी ठंडी हवा हम इस गाड़ी में आ रही है यकीन जाना। बोलेंगी आप? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। अच्छा जी, आपकी बहनें कहाँ पे आई हैं आपको आइडिया हो गया होगा। भवन में हम लोग आए हैं आज का ब्लॉग, बैठे बैठे ऐसे सडन प्लान होता है ना, एक मिनट के अंदर हमारा प्लान बना है दोनों बहनों का कि चकवाल के सबसे किसी गांव को एक्सप्लोर करते हैं। कौन सा गांव? चकवाल के किसी भी पुराने गांव को। अम्मी ने हमें कहा है कि शाम को चाय पीने जाएंगे, हमने कहा अम्मी हम बोनो आए, अम्मी ने कहा क्या है वहाँ पे, हमने कहा नहीं हम सिर्फ एक दफ़ा ब्लॉग बनाए और सर्च कर रहे हैं। बॉस ने बिल्डिंग्स यहाँ पे देखनी थी तो मैंने कहा चलें अभी जाते हैं। आए हम लोकल है ना, 100 रुपये किराया देके इतना मज़ा आया। थोड़ा बहुत अपना ट्रिप डाल देंगे। ना प्यारा एरिया ये वाला जिसकी इंतहा नहीं है। ये छत्ते गली है भवन की। एक आंटी मिली थी हमें गाड़ी के अंदर, उन्होंने हमें इतना अच्छा गाइड किया और बॉस उनकी मिनतें करते हुए हमें ये घर चेक करा दें प्लीज़ अगर वो अलाउ करते हैं तो। बहुत प्यारा है वैसे ये वाला। जितनी भी ऐसी पुरानी जगह होती हैं मुझे मोती बाज़ार की वाइब्स देती हैं। बॉस आप भी तैयार हो, मैंने भी इतना तैयार करा था उन्होंने। फाइनली हमें घर देखने की परमिशन मिल गई है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिंदू रह के गए हैं वैसे, शुक्र है भाई। ये चेक करें, आपको आर्किटेक्चर ही नज़र आ रहा होगा, समहाउ आपको आइडिया हो रहा होगा। और यहाँ से ख़ास तौर पे प्यारी बालकनी थी है ना, और इसके रोने नहीं मुकते इस बच्ची के भाई। इतने अच्छे उन्होंने क्या, हम आपको ऊपर वाला फ्लोर भी दिखा देते हैं। क्या चकवाल के बंदे वाइब हैं वैसे ना, सो हेल्पफुल। जी जी, ये पता नहीं आपको तो येलो के अलावा भी कोई पसंद आया। अच्छा, इंटर होते सार आपको आइडिया हो जाता है यहाँ पे बहुत ही है ना पुरानी पुरानी वाइब्स हैं। अच्छा मैं कह रही हूँ ऊपर मोन है मेरे, इतना नॉनसेंस सवाल है यकीन माने। ओए होए, गर्मी कार में इस बंदी ने, यार वाइब है वैसे ना। ये है जी मोन, मैं आपको चारों साइड से दिखाती हूँ व्यू। बोन कवर करना इतना मुश्किल नहीं है जितना बॉस की रील्स में बॉस को कवर करना, और रील भी ऐसे बनानी है कि बॉस पता ना चले बॉस कुछ कर रहे हैं, इतनी नेचुरल होनी चाहिए। ओहो, मस्जिद है भाई, फैशन मस्जिद की कॉपी भी बनी हुई है। आपको पता नहीं नज़र आ रही है नहीं ये वाली, ना मेरा हाथ है ना मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। चलो जी वापसी, घर तो आए हैं, दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं लेकिन कोई खोल नहीं रहा। हमने कहा मंदिर देखते हैं, बहुत रन शर्म नहीं छोड़ दें, दरवाज़ा पट मारे ना। अंकल इज़ क्वाइट हेल्पफुल, हमें मंदिर की चाबी मंगवा के दे रहे हैं। ये अंकल अभी हमें मंदिर का तो नहीं मिला हमें चाबी, लेकिन ये हमें ऊपर से चेक कराने लगे हैं। इतने हेल्पफुल लोग हैं, पहले इन्होंने जो हमें घर दिखाया और अभी ये अंकल हमें मंदिर दिखाएंगे। अभी चल रहे हैं बॉस और हम ऊपर। कितना पुराना अंकल है ये? तो इसके ऊपर कोई इन्होंने की है साथ अमेंडमेंट या कुछ भी नहीं?
जैसे अपनी पुरानी हालत में जैसे छोड़ के गए वैसे। और यहाँ पे कुछ सबसे पुराना घर कितने साल पुराना होगा? एक तो ये 1835 का था ना जो भी हमने पहले देखा है, एक 1805 है। अच्छा 1805 तक के भी हैं, लोगों ने उसमें कोई चेंजिंग नहीं की? कुछ थोड़ी बहुत है। वो जो साथ साथ जो हो रही है, बिल्कुल ऐसा है। ये चकवाल का सबसे पुराना गाँव है ना? कस्बा, कस्बा। शुरू से इसका नाम भोनी था। ये उन्होंने उसी अपने वहाँ के इलाका जो इंडिया में था ना, जी जी, भवन, अच्छा भवन नाम है। ठीक है, तो आप उर्दू स्पीकिंग में भवन क्या आ जाता है? तो ये जो नाम उन्होंने इंडिया वालों ने रखा था वही चल रहा है, भवन घर को कहते हैं। ये फ्रंट है जी मंदिर का। कितने मंदिर हैं अंकल पूरे भवन में? ये अब रह गए टोटल एक तो तीन थे ना जी, एक डिसऑर्डर हो गया था। ठीक है, दो अभी कायम। और यहाँ पे लोग रह रहे हैं खुद? हाँ किसी के पास है ना, ये वो औकाफ के अंडर है ना। ठीक तो रेंट लेते हैं सारा। समझ वो सामने इमारत नजर आ रही है? हाँ जी ये है। हाँ इधर हम गए हुए थे अभी, जो हमने आपको दिखाई है ना वो वाली, इधर हम गए हुए थे। हाँ ये 1805 की। अच्छा ये 1805 वाली है। ठीक ठीक, ये अंकल हमारी हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू सो मच अंकल। बॉस नहीं पे थक दे हूँ, सारी बैनू रही चाह मुक गई है हूँ, मैं तो पहनी पी हाँ भी कोई खाने पीने का निज़ाम हो। 10 बंदों से पूछ चुके हैं भाई फोन की कोई फेमस जगह बताएं, कोई रेड़ी बताएं। नहीं भाजी यहाँ पे यहाँ के लोग घर खाना खाते हैं, अस आके आई थे दिहाड़ मारते दसो ना। वैसे नहीं कोई मोड़ का बताया था, इतने हेल्पफुल लोग हैं अंकल ने हमें इतना वैसे इंसिस्ट किया पानी के लिए ना, चाय के लिए। और जिन जगहों पे टूरिज्म कॉमन होती है ना उन जगहों पे ये बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है, कैसे सब लोग इतने ज़्यादा। ये है मेरे ख्याल में कॉर्नर पे, आप में क्यों जान आ गई करके देखते हैं। वही नहीं ये घर है बंद करा बिजली उसे। जिस वक्त वो लोग गए थे ना उस वक्त यहाँ पर बुरा पड़ा था लकड़ी का। अच्छा अच्छा, बुरादा पड़ा था यानी उन्होंने यूज नहीं किया इस घर। बनाना था अनकम्प्लीट छोड़ के चले गए। अभी ये लोग घर पे होंगे पता कर ले। अभी हम लोगों ने अंकल ने हमें अंदर से दिखाया, ये सारा अंदर से रेनोवेट हो चुका है, सिर्फ ये वाला हिस्सा बाहर वाली साइड से रह गया। इस घर के बच्चे ने हमें घर नहीं देखने दिया बहुत ज़्यादा लॉक हो गया, पर कुछ हो नहीं सकता। एक ये घर स्किप हो गया, अंकल कह रहे हैं बाकी सारे घर ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ दो तीन घर ही हैं। 1845 1835 की जो मैंने आपको दीवार दिखाई और जो हम पहले देखे आए थे वो 1805 के थे। और बारहवीं भी देख लें आप ये बच्ची नहीं थकती बच्चों। एक और हवेली आंटी ने खोल लिया, कितनी स्वीट आंटी है यार। आगे दुकान भी है, आप बॉस की बकवास होने, आंटी सो स्वीट। हम लोगों को कहा है बैठे, इतना प्यारा यार है, अभी पानी देंगे हमें और फिर हम यहाँ से जाएंगे। अच्छा लग रहा है ना ये गांव, इतना स्वीट है। मैं कहती पता नहीं केड़े बंदे जड़े आंदे बने इंज कीती जिंज बोने वाले नूं नाल कीती। इस गल फिलहाल समझ नहीं पा आती, क्या पता इधर की नूहें ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। हमारे ये जो बड़े बूढ़ों से हमने सुना, ये जो घर है ये ना किसी पुराने किसी सिख टाइप वो जो होते हैं ना सुनहार, उनकी ये हवेली थी। अच्छा अच्छा, तो ये बड़ा एंटीक, यानी ये इसमें सब कुछ है, इसमें लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा इसकी, देखे छत बंदी कितनी हुई भी है। तो रोशनदान हर कमरे में आपको 5-6 रोशनदान, खिड़कियाँ दरवाजे बहुत ज़्यादा है। और ये ठंडा होता होगा? बहुत ठंडा होता है गर्मी में, हाँ बहुत ज़्यादा, पंखे के बगैर आराम से देखे बैठे हुए हैं। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हैं? तकरीबन हो गए हैं 5 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा जी, तो ये है कि जो कोई बाहर से आता है वो पहले कहता है बहुत ठंडा है घर, हाँ। सर्दी में एक्स्ट्रा ठंडा होता है। हाँ तो यहाँ से कंट्रोल करना मुश्किल होती होगी ना, जो आवाज़ बड़ा पसंद आता है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। आपने देखी होगी ये चीज के बाहर से ना तकरीबन कितने नए घर भी जो बने हैं उसके अलावा इस घर की जो हाइट है ना सबसे ऊंची है, तो इस वजह से इसकी छतें बहुत ऊंची है, ऐसे पूरा सर करके देखना चक्कर आ जाते हैं।
तो इसके ऊपर भी दो स्टोर है, फिर आगे पलाड़ भी है, यानी कि तकरीबन ये एक डेढ़ कनाल पे ये घर है पूरे। तो अभी थोड़ी सी इसकी रिपेयरिंग वगैरह करवानी है। अब देखे ना माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, काफी टाइम से है, 5 साल तो हो गए हैं। इसकी अब रिपेयरिंग करवानी है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, अब इतने बड़े घर की पता है। और इसकी तो दीवारें इतनी ऊंची हैं, इतनी ऊंची है, 18 इंच की तो इसकी दीवार है, चौड़ाई में भी ज्यादा होंगी, चौड़ाई में भी काफी, बल्कि नजर आ रही है बहुत ज्यादा। बस ये है कि अब पुराने जमाने का है तो थोड़ा खराब हो रहा है। और कुछ चाय वगैरह? नहीं नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया। 1935 का बना हुआ है, शायद आपने बाहर देखा ना लिखा होगा 19। ये वो ये जो ये वाला दरवाजा ना कॉरिडोर का, इसके नीचे जो थला बना हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है 1935 में बनाए ये घर। तो अब आप काउंट कर ले, इसको 100 साल होने वाले होने वाले हैं। ये सारा एरिया आंटी ने अभी हमें दिखाया है और अब हम छत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये एक ये कमरा देखिए उनका बनाने का, ये मेरे बेटे ने वो मॉडल आपकी बहन गालमा ने डाला हुआ है। ये क्या होता है? ये मैंने बताया ना आपको कि वो सुनहार थे, सुनहारों का ये जो ये सबसे छोटा उनका कमरा था, इसमें ना उन्होंने ज़्यादा खिड़कियाँ रखी ना रोशनदान, सिर्फ बस एक खिड़की हवा के लिए, बाकी वो अपना काम इधर बैठ के करते। तब तो सोना भी रखा हो, तब भी इसको इतना प्राइवेट रखा हो। हाँ ये भी हो सकता है, तभी लेकिन मिला कुछ नहीं है। बनाया है आंटी, कितना प्यारा लग रहा है आंटी। अच्छा मतलब स्पेयर पार्ट लेके खुद बनाता है, खुद ऐसे बनाता रहता है, लेकिन इंजन वगैरह तो ऐसे दो मोटरसाइकिल पहले भी बेच चुके हैं। हाँ वो बस ऐसे ही कर आंटी लेते हैं पूरे बने हुए या सिर्फ स्पेयर पार्ट लेते हैं? 70 मोटरसाइकिल है ना, उसके ऊपर से जो सारा सामान उतार के फिर नए सिरे से। ये पुराना किचन है, इसके अंदर भी किचन है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। अब जब आई है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना। यानी कि यहाँ ये पकाने का हिस्सा है और उधर वो जो है वो स्टोर करने के लिए चीजें, स्टोर वहाँ पे आप कुछ भी रख लें। कितना अपडेटेड था उस टाइम भी वैसे किचन बनाने का या। और ये बाहर देखे आप, साथ किचन में खाना बनाए और साथ बाहर के नजारे लें। खराब हुई नहीं है अभी, हम छत की तरफ जा रहे हैं आराम से। अच्छा अच्छा ये बस जिसने हमें पूरा मून घुमाया है, थैंक यू। इतना क्यूट है ये बासित, क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो? टेंथ में है। बच्चे कितने बड़े, मुझे लगा मिडिल तक होगा ना, छोटा सा लगता है। बहुत अच्छा लगता है अपना एरिया, यहाँ पे दोस्त वगैरह होंगे, खुद भी शौक है पुरानी जगहों का या कोई नहीं? वो तो खत्म हो गए, पहले बहुत छोटे होते थे, अब कम हो गए, अब कम हो गए। और अब एक चीज ज्यादा मिलती है फिर बंदे को भूल जाता है ना इतना, मतलब इससे इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये मस्जिद है क्यों है? हर मोहल्ले की अपनी मस्जिद है, अपने अपने लोगों ने बनाई, अपने लोगों ने पहले वक्त में बनाई थी, फिर अब सारों ने तैयार करवा रही है मस्जिद। बासत से हमने पूछा यहाँ पे खाने की अच्छी चीज़ कौन कौन सी है, बासत कहते हैं यहाँ के लोग घर खाते हैं शौक से। अभी अड्डे पे गुरेड़ियाँ देखेंगे तो बस वाड़ियाँ बैठा जो सब निकले वहाँ से कुछ खा लो। हाँ अभी निकल के हमारे घर से खा लें। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया। से उतरने के बाद ये नीचे एरिया था जहाँ से हम गुजर के आए हैं, ऊपर छत था और ये स्टोर है। इतनी रोशन जगह है, इतनी रोशन जगह है जिसकी इंतजार नहीं है, मैं किसकी प्रिवेसी हर्ट कर रही हूँ। बासद और बॉस की इंसिस्टेंस पे अभी हम इतवार बाजार का कोई मंदिर देखने जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ही डिसेंट। यहाँ से हम चकवाल जाएंगे जिधर हम अब आ गए, इधर से नज़दीक ही है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा हर गांव में हमें बंदा मिलता है, हम तो पूरा चकवाल पागल हो जाए खुशी से देख के। प्यारी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, ऐसे लगता है कोई काम हुआ हुआ है, बहुत प्यारा है ये जगह। ये कौन सा मोहल्ला है? इतवार बाजार के नाम से मशहूर इलाका है ये। उस मंदिर देखने के लिए दरवाजा खटकाते हुए और हम लोग बस अड्डे के पास ही आ गए, अगर इनकेस नहीं हो रहा तो कुछ खा पी गए।
घर की तरह भीड़ो भीड़ निकलते हैं। दो अड्डे हैं, दो अड्डों की निशानियां हमें पता चली हैं। आप बताएं दो अड्डे क्या नाम हो सकते हैं आसान। एक का क्या नाम है? नीचे वाला अड्डा, एक का नाम है ऊपर वाला अड्डा। यार बात तो है। ओ ओ, हमें अंकल ने कहा है बैठ जाएं गाड़ी भरेगी या नहीं भरेगी, मैं आपको ले जाऊंगा 5-7 सवारियों के बाद। और हम लोग बैठ गए हैं। फोन से हमें पानी नसीब हुआ, आंटी ने दिया था, बेचारों ने इतना इंसिस्ट किया खाने के लिए लेकिन हम कुछ खा नहीं सके। इस गली से हम लोग गए थे और अब दोबारा अड्डे में सवारियाँ भरने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? इतनी अच्छी ठंडी हवा हम इस गाड़ी में आ रही है, यकीन जानना है। जब गाड़ी से उतरना है आपने शीशे खड़काना है, गाड़ी रुक जाएगी ऑटो। फाइनली जी पहुंच गए हैं हम चकवाल। पूरा भोन का छाया तो 500 रुपया लग गया, सब आने का सब जाने का 400। कितने? 3,800। आज हम बहुत चल रहे हैं, मेरा तो पूछा मुझे लगने लग पड़ा है। और वापसी पे चल रहा है 2.6 किलोमीटर। हाय, और बहुत सब कह रहे हैं कि बाजार से कुछ खा के घर जाते हैं, दिल निशाद से खा के घर जाते हैं। ये जहाँ तक मुझे लगता है ये मोती बाजार है चकवाल का। और आपकी बहन को गुस्सा बहुत शदीद लगने लग पड़ा है, जल्दी ना घर में जाता ही लिया कोई अपनी आम हालत में चाहो। 200 जाने के फोन, 200 आने के फोन, 100 घर से रिक्शे के, 100 वापसी के, 600 और 200 रुपये का हमारा चार्ट हो गया। और बस आज का ब्लॉग हम अपना यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और दुआओं में याद रखें। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी बहन बिराबोन दे आए उन्होंने तरफों से सलाम दे छोड़ा है। अल्लाह दे वाले हैं।